फ्रेंड्स ये देख ले, हेल्दी लिविंग नेपाल वेस्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स एक बार फिर से हुसैन उल्टी बात में आप सभी का इस्तकबाल है। अभी फ़िलहाल मैं तो नहीं, मौलाना आथर साहब का जो वो काम चल रहा है एजुकेशन को लेकर, हम सब अभी ये फ़िलहाल हम सब लोग कर रहे हैं जुड़ के, लेकिन दुकान की वजह से मैं जा नहीं पा रहा। अभी मौलाना बहुत दूर का सफ़र करने जा रहे हैं गिरदौलिया का, तो इंशाल्लाह मैं तो नहीं जा पाऊँगा, लेकिन वहाँ की कुछ क्लिप्स आप लोगों के सामने ज़रूर रखूँगा, क्योंकि हम भी उस फील्ड से जुड़े हुए हैं, लेकिन मजबूरियात और मशगूलियात की वजह से नहीं जा पा रहे हैं। फ्रेंड्स अभी फ़िलहाल मैं दुकान पे हूँ, लेकिन आज हमारे लिए खुशी का दिन है, वो इसलिए कि आज हमारा 200 ब्लॉक कंप्लीट होने वाला है। तो मैंने चाहा कि आप लोगों को भी बता दूँ, और अभी मैं आपको बताता चला, अभी एक दोस्त हमारा जो पड़ोसी है दुकानदार, उन्होंने मेरे लिए, खुद के लिए भी, मेरे लिए भी चाय मंगवाई, हेमंत सर, और इसके अलावा इतने सारे पापा बिस्कुट दे के गए हैं। तो बोलते हैं ना कि पड़ोसी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, पड़ोसियों का असर बहुत पड़ता है, कि इंसान को दुआ कैसे लेना चाहिए, इसी तरीके से लेना चाहिए कि जब आप दूसरे के साथ अच्छे मामलात करोगे तो लोगों के दिल से दुआ निकलती है। दुआ के लिए कहना नहीं पड़ता कि भाई आप दुआ करें, जब इसलिए हम लोगों को एक दूसरे के साथ इस तरीके से मामलात करना चाहिए ताकि लोगों के दिल से दुआ निकले और डायरेक्ट अल्लाह के दरबार में कबूल हो। फ्रेंड्स आज आप लोगों से मैं कभी कुछ नहीं कहता हूँ कि आप लोग कुछ बताएं, आप लोगों से एक छोटा सा सवाल है मेरा कि चैलेंज किसे बोलते हैं। इस थ्रू से आप थोड़ा सा अपने सोच के मुताबिक कुछ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि चैलेंज किसे कहा जाता है। तो आप लोग ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे बहुत खुशी है कि मेरा चैलेंज का 200 दिन कंप्लीट हो गया है, और आप लोग हमें हमारे चैनल को सपोर्ट करें। 1K अभी तक हमारा नहीं हुआ है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी उम्मीद है कि हो जाएगा, लेकिन आपके छोटा सा प्यार और छोटी सी मोहब्बत की ज़रूरत है। दोस्तों बात बहुत हो गई, अब हमें चाय भी ठंडी नहीं होने देना है, खाना है। ये देख ले, हेल्दी लिविंग नेपाल वेस्टिज कंपनी है। कुछ दिन पहले ये मेरा दोस्त है सूरज, रंगीली से ताल्लुक़ रखता है, और इन्हीं से हमारा मुआहदा है, 1 ईयर चैलेंज का मुआहदा हम इन्हीं से करते हैं, वरना मुझे खुद से चैलेंज है, बाकी इनसे नहीं है। ये दोस्त मेरा, मतलब ये आते रहते हैं वेस्टिज कंपनी का, बहुत सारे लोगों को जोड़ा था, बहुत सारे लोग रुके, क्योंकि अब हर आदमी को चाहिए जल्दी पैसा, तो जल्दी पैसा कहाँ से मिलेगा यार। ये सब कंपनी होती जैसे यूट्यूब, फेसबुक, वेस्टिज, इसमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है काफ़ी लंबे समय तक, फिर इसके बाद जब इनकम आना शुरू होता है फिर रुकने का नाम नहीं लेता है, वो आते ही रहता है। बोलते इसको दरख्त का मिसाल दे दें, दरख्त जब रोपते हैं तो 2 साल के लिए हमें वेट करना पड़ता है, लेकिन आजकल के दौर में वेट भी नहीं करना पड़ता, अभी रोपे, अभी 5-6 महीने के बाद आपको फल देना शुरू हो जाता है, वैसे कंपनी का। तो मैं ये टिकट ख़रीद रहा हूँ भाई से, सूरज भाई से, 700 का है, लेकिन मुझे वह 550 में मिल रहा है। तो ये जो टिकट, मैं कंपनी पे जुड़ चुका हूँ बहुत पहले, लेकिन सिर्फ नाम लिखा दिया हूँ, बाकी मैं काम नहीं करता हूँ, पहले ही बताया था काम नहीं करूँगा, इतना फुर्सत नहीं मेरे पास। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें बहुत सारे लोग आएंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे, तो मैं चाहता हूँ यहाँ जाऊँ तो कम से कम नहीं 10 लोगों से हमारी मुलाकात होगी, जान पहचान तो होगी ही। बोलते हैं ना कि जगह पे जाने से आपको सोच मिलती है, जब सोच मिलती है तो सोच डेवलपमेंट होने के बाद ही आपका जो मेन चीज़ हो फोकस होता है। एवरीथिंग इज़ थाट्स, थाट इज़ पॉजिटिव अगर रखेंगे तो फिर आपका मतलब काम भी पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव होगा तो फिर काम भी क्या। सूरज भाई नमस्कार सभी को, मेरा नाम सूरज हुआ और मैं अभी हेल्दी लिविंग के साथ अपना वेस्टिज का करियर स्टार्ट किया आज से 1.5 साल पहले, और मैं अभी इसमें बहुत अच्छे लेवल एक बोलना पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि वेस्टिज में कुछ भी लोग करता है तो एक
सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं करता, मान सम्मान के लिए करता है, इज्जत के लिए करता है और अपना पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए काम करता है। जब हम स्टार्ट किए थे तो हमको किसी का आगे बोलने के लिए भी सोचना पड़ता था कि हम किस तरीके से अपना बात को स्टार्ट करें। और उसी दरमियान मुलाकात हुआ सर से, और सर से मुलाकात होने के बाद बहुत अच्छा लगा, खुशी लगा कि इस तरीके का लोग भी है हम लोग का सोसाइटी में जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और पॉजिटिव थॉट रखते हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो इनका वीडियो देखते हैं बस उसको सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़िए है ना लाइफ में, क्योंकि लाइफ बहुत बड़ा है। अभी आपको जो भी आप सिचुएशन में है वहाँ से आप एक पॉजिटिव थॉट का साथ निकलिए, और वो सर पॉजिटिव ही आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग इनको शेयर कीजिए है ना, और जो भी आपका कमेंट हो उनको डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं कि आप इस तरीके का वीडियो बना सकते जी, हैं, लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। तो बस वही है, तो मैं इतना ही बात कहना चाहूँगा, थैंक यू। और सर हमें बताते हैं, ये सूरज दाई, सूरज भाई जो भी बोले, जब ये वेस्टेज का आगाज़ एक साल हो गया आपका, एक डेढ़ साल हो गया, लेकिन इनको जो वो बोलते ना फल मिलना शुरू हो चुका है, बहुत जल्दी ये बाइक निकालेंगे। जिस दिन बाइक निकालेंगे तो इनके साथ मैं एक वीडियो बनाऊंगा मोटिवेशनल। सक्सेसफुल मतलब होता है कि आदमी के ज़िंदगी में सक्सेसफुल ही क्या है, आदमी को लग्जरी घर चाहिए, लग्जरी मतलब गाड़ी चाहिए, यही सब तो चाहिए दुनिया के एतबार से। बाकी आखिरत में है तो आदमी अच्छा काम करे वो आखिरत में उसका बदला मिलेगा लोगों को, है ना। तो जब ये बाइक निकालेंगे मैं इसलिए बनाऊँगा कि देखे मेहनत रंग लाती है, जो भी आदमी किसी भी रास्ते पे काम करता है कामयाबी कदम चूमती है। बस ये कि हमें उकताना नहीं है, क्या होते ना आपके बहुत सारे दोस्तों में से होंगे जो उकता के काम छोड़ दिए होंगे। ये भाई आए थे मुझे भी जोड़े, तो मैं इनको डायरेक्ट बोला था मैं जुड़ूंगा नहीं, पहले भी बोला था कि जुड़ूंगा नहीं लेकिन साथ दे सकता हूँ, आपका प्रोडक्ट मैं ख़रीदता हूँ, मुझे पसंद है, अच्छा लगता है इनका प्रोडक्ट। ये आपको क्या कहते हैं वेस्टेज का जो है ना प्रोडक्ट मुझे पसंद आता है, इसका मैं ख़ासतौर से साबुन 100 रुपये वाला 200 रुपये वाला यूज़ करता हूँ, बहुत मज़ा आता है लगाने में। तो फ्रेंड्स आज हमारा 200 ब्लॉग कंप्लीट हो गया है, आज हो जाएगा, तो आप लोग दुआ करें और सपोर्ट करें यार, बहुत थोड़ी सी और मोहब्बत चाहिए आप लोगों की। 200 ये 100 ये 1K कंप्लीट हो जाएगा, तो जब 1K कंप्लीट होगा तो फिर YouTube कुछ डिसाइड करेगा हमारे लिए। तो दोस्तों लीजिए अब हम इंशाल्लाह इनको रुख्सत देते हैं, भाई लोग जाएंगे घर। फ्रेंड्स लास्ट में जाते जाते एक बात मैं कहना चाहूँगा, वही है कि चैलेंज के ऊपर आप अपना तबसरा और अपना कमेंट ज़रूर रखिएगा, ताकि मैं भी तो देखूं कि चैलेंज किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए कोई भी ख़ास नहीं, क्योंकि हमारे पास आज कोई दोस्त यार साथ में नहीं थे, इसलिए मैं कोई ख़ास प्रोग्राम नहीं कर सका। इंशाल्लाह एक वक्त होगा जो आप लोग हमारे साथ होंगे और हम एक अच्छा प्रोग्राम करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई सोच, नए फिक्र और नए जज्बे के साथ आप लोगों से मिलता रहूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।